भाई तारू जी का जन्म अमृतसर पिंड पोहला विखे होया। इस पिंड दे भाई जोत सिंह जी दे घर भाई तारू जी का जन्म होया। कहंदे ने इन्हां दे पिता जी ने भी शहादत का जाम पीता सी। भाई जोत जी की पत्नी अपने पुत्र भाई तारू सिंह अते एक विधवा पुत्री बीबी तारो दे नाल पिंड विच रहिंदी सी। जदों बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं 1716 ईस्वी के अंतां ते तसीहे दे के महरौली विखे शहीद किया सी तां उन्हां दी शहीदी तो बाद लाहौर अते दिल्ली दे तखत वलों सिखां दे सिरां दे मुल पैणे शुरू हो गए सन अते सिखां नूं देखदियां ही मार देण दे ऐलानमे बार बार किए जा रहे सन। 1726 ईस्वी साधु समत खां नूं लाहौर तो बदल के मुल्तान भेज दिता गया अते उस दी थां ते उस दे पुत्र जकरिया खान नूं पंजाब दा नवां सूबेदार नियुक्त कर दिता गया। जकरिया खान सिखां दा कट्टर विरोधी सी। पंजाब दा सूबेदार बनदे सार ही उसने सिखां नूं खुरा खोज मिटाउण दी ठान लई सी। जकरिया खान ने सिखां ते सख्ती शुरू कर दित्ती। श्री दरबार साहिब जी अमृतसर दे आले दुआले फौज दा सख्त पहरा ला दित्ता सी तां कि कोई सिख दर्शन इशनान करन ना जा सके। भाई तारू जी ने भाई मनी सिंह जी दे जत्थे तो अमृत छक के पूरन खालसा रूप धारण किया सी। भाई तारा सिंह जवा अते भाई मनी सिंह जी दी शहीदी ते आप दे जीवन ते बहुत गहरा असर पिया सी। भाई तारू सिंह जी खेतीबाड़ी करके अपना परिवार ते गुजारा करते सन। खेतां दे अगे पड़ाव वाले पासे संगड़ी चिड़ी सी। रात नूं कोई ना कोई सिंह दा जत्था इस चिड़ी विच आके टिकदा अते दो तीन दिन रह के अगे चला जांदा सी। भाई तारू सिंह जी रात नूं लंगर तैयार करके बड़ी श्रद्धा भावना नाल छकाउंदे अते इन्हां दी लोड़ अनुसार कपड़ा लिते भी प्रबंध करा के देंदे। भाई तारू सिंह जी बचपन तो ही साध विरती अते सेवा भावना वाले सन। उन्होंने यात्रियों नूं बिना किसी भेदभाव के लंगर पानी की सेवा करनी अते रात कट्टण लई बिस्तरे मंजे का प्रबंध करके यात्रियों की सेवा का पुन खट रहे सन। पिंड विखे भाई साहब जी परोपकार के काम करते रहते सन। एक बारी वड्डी उम्र दे फौजदार जाफर बैग ने रहीम बख्शू मच्छी नूं धमकाया ते उसनूं अपनी नौजवान सुंदर पुत्री सलमा दा निकाह उस नाल कर लवे लई क्या। जदों गरीब बाप ने इस बारे अपनी सियाणी धी दी रजा पुछी तां उसने साफ इनकार कर दिता। फौजदार ने सलमा नूं इनकार करन ते अपनी हवेली दे कमरे विच बंद कर दिता। तां भाई तारू सिंह जी ने रहीम बख्श नूं हौसला दिता अते अकाल पुरख ते भरोसा रखण लई कहा। सिंघां दे नाल वार्ता करके अरदास सोध के शहर नूं चले गए अते सलमा नूं दिन चढ़न तों पहला ही पिंड तों रिहा किता अते उन्हों अपने पिंड वल भेजिया। हुकूमत वल्लों सिखां उपर हद दर्जे की सख्ती शुरू हो गई सी। सिखां नूं पनाह देण वाले नूं मौत की सज़ा दिती जा रही सी। हाकमां दे बंदिया ने जाके जकरिया खान नूं मुखबरी करके शिकायत की कि पुले पिंड दा भाई तारू सिंह जंगलां विच लुके सिखां दी मदद कर। मौसम खान ने पुले पिंड पहुँच के भाई तारू सिंह जी की भाल करनी शुरू कर दिती अते भाई तारू सिंह जी नूं ते उसकी भैण बीबी तारो नूं गिरफ्तार करके हथकड़ियां ते बेड़ियां नाल बन के लाहौर वल नूं चल पिया। सिखां ने शाही सैना नूं मोटी रकम दे के भाई तारू सिंह जी की भैण नूं छुड़वा लिया। मौसम खान ने भाई तारू सिंह जी नूं हथकड़ियां ते बेड़ियां पा के जकरिया खान दे अगे पेश किया। लाहौर विच भाई तारू सिंह जी नूं कई दिन जेल विच रख के कई तसीहे दिते गए। भाई तारू सिंह ते बागियां नूं शरण देण अते उन्हां दी जरूरी चीज़ां दा प्रबंध करन दा दोष लगाया गया। जकरिया खान ने भाई तारू सिंह जी अगे दो शर्तां रखियां।
इस्लाम कबूल करो या मौत। भाई साहब जी ने मौत नो स्वीकारिया तो उसनों चरखड़िया ते चाड़न दा फतवा जारी कर दिता। छाती अते पसली दिया हड्डिया नो तोड़ दिता जाए दा हुकम दिता। भाई साहब ने सिखी विच अटल विश्वास रखदिया अकाल पुरख अगे सिखी केसा स्वासा नाल निभ जाण दी अरदास कीती। जदों हाकम नो पता लग्या कि इस नूं अपने केसा नाल बहुत प्यार है तो उन्होंने केस कतल करन लई नाइया नूं सद्या। भाई साहब जी दे चेहरे दे जलाल नूं देख के किसी ने भी भाई साहब दे केसा नूं हथ लाउण दी हिम्मत ना पाई। तां जकरिया खान ने भाई तारू जी दे केस समेत खोपड़ी दे लाण दा हुक्म दे दिता ते उस लई मोचिया नूं बुलाया गया। वहशियानिया ढंग दे नाल जालमा ने भाई तारू सिंह जी दी खोपड़ी रंबी नाल उतार के सिर तो वक कर दिती। तमाशा देखण वाले हैरान होए देख रहे सन कि एक गुरु दा सिख सी कीते अत दे तसीए चल रहा है। भाई तारू सिंह जी दी खोपड़ी उतार के पिछों जकरिया खान ने उन्हां नूं खड्ड विच सुटवा दिता अते उन्हां दा मास गिद्दड़ कुत्ते आदि जानवर दे खाण लई सुट दिता। पर भाई तारू जी जख्मी हालत विच भी गुरबाणी पढ़ते रहे। तीसरे दिन जदों नवाब उत्थों दी लंघिया तां भाई तारू सिंह जी दे मूहों बाणी दी आवाज़ सुन के बोले, ओए सिखा तू अजे भी जीवंदा है, मरिया नहीं। भाई तारू जी ने जवाब दिता, जकरिया खान मैं तैनों ते तेरे पुत्तर नूं अगे ला के ही मरांगा। भाई तारू जी दी खोपड़ी लाए जाण तो कुछ दिन बाद ही जकरिया खान का पेशाब बंद हो गया अते रोग नाल ही मर गया ते उसका पुत्र शिकार खेडते हुए घोड़े तो डिग के मर गया। भाई तारू जी खोपड़ी उतारे जाण तो 22 दिनों तक जिंदा रहे अते गुरु दी बाणी का नाम सिमरन करते रहे। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी जिक्र करते हैं कि इन्हां दिनों विच लाहौर का एक तरखान हर रोज़ आके हल्दी नाल लेप बना के भाई जी दे सिर ते पट्टी बंदा रहा। आखिर भाई तारू सिंह जी 25 साल की उम्र विच जुलाई 1745 ईस्वी नूं शहीदी पा गए। भाई साहब जी दे शरीर का अंतम संस्कार लाहौर ते दिल्ली दरवाजे तो बाहर किया गया। जदों तक एक कायनात शहीदां दी शहीदी नूं कोई नहीं भुला सकता, भाई तारू जी का नाम सुनहरे अखरों नाल गौरवमय इतिहास दे विच लिखिया गया है। जदों जदों अरदास होंदी है भाई जी का नाम शहीदां दा नाम अरदास दे विच लिता जांदा है। अज लोड़ है अपने इस गौरवमय इतिहास के विरसे नूं नौजवानों नूं जाणू करवाउण दी। जिस कौम का इतिहास कायम है उस कौम नूं कदी कोई खत्म नहीं कर सकता। इस करके असी इस अपने गौरवमय इतिहास नूं अपने बच्चों नाल नौजवानों नाल सांझी करिए ताकि साडी गुरसिखी हमेशा पनपदी रहे। इन्हां शब्दां नाल माफ़ी दी चाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।